प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत इज इंडिया पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक दमदार वीडियो लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेरनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाजिया लाई खान जी का धमाकेदार इंटरव्यू, जिसे देख के ना सिर्फ मजहब के ठेकेदार बल्कि जो कट्टरपंथी हैं उनको भी बहुत जबरदस्त मिर्ची लगने वाली है। तो ये वीडियो काफी मजेदार होगी, इसे अंत तक देखें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इससे लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस लाते रहे। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। भारत के कुछ स्टेट्स हैं, जैसे वेस्ट बंगाल है, जैसे हैदराबाद है, जैसे तमिलनाडु है, केरला है, वहां पे एक नेक्सस है। एक तो लेफ्ट का नेक्सस और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मुसलमान कंपोनेंट है। तो मुसलमान और लेफ्ट ने मिलके उनको एक किला बना दिया है और किसी को वहां पे घुसने नहीं दिया जाता। अब जैसे मोदी जी और अमित शाह जी बंगाल गए तो सागरिका ने कहा कि आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड हियर, जबकि सागरिका खुद क्या है ये हमें पता है। तो आउटसाइडर्स आर नॉट अलाउड, लेकिन यूसुफ पठान वहां पे कैंडिडेट है, शत्रुघ्न सिन्हा वहां पे टीएमसी का कैंडिडेट है। तो क्या आप देखती हैं कि ये कले, ये जो फोर्ट्स हैं जो इन लेफ्ट और मुस्लिम नेक्सस के, ये फतह होंगे कभी? देखिए, लेफ्ट फ्रंट की जो पार्टी है वो कम्युनिस्ट है, मतलब किसी भी जात और धर्म की ना इज्जत करती है और ना मानती है, ये तो उनका बिल्कुल लाउड एंड क्लियर उनका कंसेप्ट है। कम्युनिस्ट का मतलब ही होता है जो किसी भी जात और धर्म की ना इज्जत करती है ना मानती है। अब आती है पश्चिम बंगाल में सागरिका को हमने देखा है कि किस तरह से वो अश्लील कपड़े पहनती है। खैर, वो उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। दूसरी चीज है, एक वक्त था जब वो ममता बनर्जी का इंटरव्यू कर रही थी तो वो भी झाड़ सुन चुकी है, वो भी मलाइंग हो चुकी है ममता बनर्जी के शब्दावली से। थर्ड थिंग इज, आपने केरला की बात कही है, लेकिन केरला को बर्बाद करने में पूरा का पूरा हाथ कांग्रेसियों का। जिस तरह से कांग्रेस में नेहरू ने हमारे देश की सभ्यता, सिविलाइजेशन, संस्कार और प्रथाओं को बर्बाद किया अपने मॉडर्न एटीट्यूड से, मैं आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाना चाहूंगी नेहरू के, कि नेहरू ने भारत की सभ्यता को कैसे बर्बाद किया है। और भी मेरे पास काफी तस्वीरें हैं, पर मैं चाहती हूं कि लोग समझें। हाँ, बिल्कुल, ये सब बात वायरल है। तो अब ये जो तृणमूल कांग्रेस पार्टी है, ये जो बाकी अखिलेश की समाजवादी सपा है, ये सारे क्या है? ये कांग्रेस के चुन्नू मुन्नू है, ये कांग्रेस की शाखाएं हैं, ये कांग्रेस के विंग्स हैं, आउटलेट्स हैं। तो अब इन्होंने सब मिलकर के क्या किया है कि नेहरू ने भारत को तोड़ा, पाकिस्तान बनाया, अब उसके बाद फिर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, राजीव गांधी और संजय गांधी ने भर भर के स्कैम किया, मारुति स्कैम, उसके बाद फिर बहुत सारे स्कैम उन लोगों ने किए, मेरे पास तो पूरी लिस्ट है। अब राहुल बाबा क्या कर रहे हैं, वो चमड़े के आधार पर भारत के लोगों का बंटवारा कर रहे हैं। सैम पित्रोदा ने अभी किया, जो उनके पॉलिटिकल गुरु हैं। राहुल गांधी क्या कर रहे हैं, वो जात पात के आधार पर हिंदुओं को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और पीएफआई, जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो केरला में है, ये क्या चाह रहा है कि 2047 तक केरला को एक इस्लामिक स्टेट घोषित किया जाए। अब इसमें हेल्प कौन कर रहा है? इसमें हेल्प कांग्रेस पार्टी कर रही है और साफ तरीके से कर रही है। अब इसमें अगर कोई लोग मुझे टिप्पणियां करना चाहेंगे कि आपने एक गलत आरोप लगाया है, तो मैं याद दिला देना चाहती हूँ कि नेहरू के जमाने में ही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आया, नेहरू और इंदिरा गांधी के जमाने में ही इमरजेंसी के वक्त जब कोई विरोधी पार्लियामेंट में नहीं थे, सब जेल की हिरासतों में थे, तब उन्होंने कई बिले पास करवाई और उन्होंने कन्वर्शन लॉ को अमेंड कर दिया, फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड को अमेंड कर दिया, फिर उन्होंने वक्फ बोर्ड को और मजबूत कर दिया, उसके बाद जमायतुल उलमाए हिंद बना दिया, उसके बाद फिर दारुल उलूम बना दिया, उसके बाद देवबंद बना दिया, लाखों मदरसे खुलवा दिए और एक परमानेंट फंड
मुसलमान जिहादियों और जंगजू के लिए कांग्रेस ने तैयार कर दिया, और जानबूझ करके भारत के हिंदुओं को उनकी सभ्यता से दूर किया। लेकिन मैंने तब भी कहा, एक बार और भी कहा था, एक बड़े चैनल पर मैंने कहा था कि ये बात नेहरू से लेकर के सोनिया गांधी तक को पता था कि भारत के हिंदू कभी ना कभी जागेंगे, और अब भारत के हिंदू जाग चुके हैं। क्योंकि मैं भारत में सिर्फ एक स्टेट में नहीं रहती हूँ भाई, मैं हर एक स्टेट का दौरा करते रहती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि अब ये कम्युनिस्ट पार्टी या ये सागरिका या ये ममता बनर्जी या ये राहुल गांधी की जो स्ट्रैटेजी है वो सक्सेसफुल हो सकती है। आई डोंट थिंक, इवन आई एम श्योर। नाजिया जी, हमने काफी लोगों के व्यूज देखे जिसमें मुसलमान लोग ये कहते सुने गए कि हाँ, जितना काम मुसलमानों के लिए अच्छे काम मोदी जी की सरकार में हुआ इतना कभी नहीं हुआ, लेकिन वोट हम नहीं देंगे। तो इस ये आपको भी अच्छी तरह पता है, हमारे पिछले आपके साथ जो मेरी डिस्कशन हुई थी उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि मुसलमान एक सोशल उसके अंदर बंधा हुआ रहता है, अपने मुल्ला अपना सोशल उसमें नेटवर्क में, और वो उसको तोड़ के निकल नहीं सकता, निकलना चाहे भी तो, वरना उसका सोशल बायकॉट होता है, बेटी से कौन शादी करेगा, कोई हमें बुलाएगा नहीं, ये होगा वो होगा। कैसे इस नेक्सस को तोड़ा जाए कि मुसलमान आजाद हो? मुसलमान इस वक्त अपने मुल्लाओं का गुलाम है भारत में, उसको कैसे आजाद कराया जाए? सर्टेन एरियाज में हो गए आजाद। देखिए, मुझे जहां तक मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं जीरो ग्राउंड पर ज्यादा रहती हूँ और मैंने इस्लाम भी बाखूबी बहुत ध्यान से पढ़ा है और काफी लैंग्वेजेस में पढ़ा है, इस्लाम जो है वो एक बंद कमरे की तरह है जिसमें ना खिड़की है ना दरवाजा है और ना ही एक छोटा सा सुराग भी है जिससे रिफॉर्मेशन या वेंटिलेशन की कोई गुंजाइश हो सके। ऐसा बंद दरवाजा है, ऐसा सफोकेटिव बंद दरवाजा है, और जो कोई भी उस बंद कमरे में एक दरवाजा या खिड़की बनाने की कोशिश करेगा उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। ऐसी ही स्ट्रैटेजी से पिछले 77 साल से भारत चल रहा था, क्योंकि जब भी कोई इस्लाम के बारे में बात करता था सर तन से जुदा का नारा उठ जाता था, जब भी कोई इस्लाम की कुप्रथाओं के बारे में बात करता था उसको इस्लाम के नाम पर डरा दिया जाता था, जब भी कोई इस्लाम को रिफॉर्म करने की बात करता था तब उसको प्रॉफिट मोहम्मद का नाम दे करके और इस्लाम के का डर दे करके उसको चुपचाप बैठा दिया जाता था। लेकिन अब क्या हुआ है कि अब कुछ शिक्षित मुसलमान बेटियां, अब कुछ शिक्षित मुसलमान पुरुष वो सामने आ चुके हैं, क्योंकि शिक्षा क्या होती है भाई कि वो हमारे बंद बंद कमरे को खोल देती है, वो हमारे अंदर की इंक्यूजिटिवनेस को, जिज्ञासा को बढ़ाती है। हमारे परिवार में किसी एक बहु बेटी का तलाक होता है या हलाला होता है तो हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई कैसा इस्लाम है जो इतनी गंदगी मचा करके रखा है, तब हम उसको डीप डाउन जाते हैं, तब हम उसको डिग आउट करते हैं, और तब फिर हमें लगता है कि जो इस फैमिली में हुआ है वो दूसरी मुसलमान बेटियों के साथ ना हो तो इट्स बेटर कि हम जीरो ग्राउंड पर आ जाएं, इट्स बेटर कि हम रोड पर उतरे और रोड पर उतर करके हम बात करें। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो मुझसे नफरत करते हैं और बे इंतहा नफरत करते हैं, मेरा नाम सुनना नहीं पसंद करते। मैं तो कहती भी हूँ कि जैसे मुसलमान मर्द नफरत करते हैं वैसे ही पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता मुझसे नफरत करते हैं। मैं किसी प्रोफाइल के लिए या किसी चीज के लिए ये मुहिम नहीं छेड़ी, मैंने इस इस्लाम की कुप्रथाओं को आवाज ऊंची करके इसलिए बताया है कि जो गंदगी और जो बेहूदगी चल रही है वो सबको पता होना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि धीरे 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 चीजें बेटर होती चली जाएंगी, उसका एक रेफरेंस मैं आपको दे दूंगी। अभी देखिए, हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में कोई मुसलमान लड़का बलात्कार करता है तो उसके लिए ना फतवा जारी होता है और ना ही उसको इस्लाम से बॉयकॉट किया जाता है। जब कोई मर्डर करता है मुसलमान मर्द तो ना ही उसके लिए फतवा जारी होता है ना ही उसको बॉयकॉट किया जाता है।
जब मुसलमान लड़कों का एक पूरा टीम ग्रुप चरस गांजा शराब नवेशी करता है, बार जाता है, पब जाता है, क्लब जाता है, नाचता है और गैर धर्म की औरतों के साथ शारीरिक संबंध करता है, तब उसके लिए भी फतवा या इस्लाम से बॉयकॉट ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन जब मौलाना इलियास साहब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा पर जाते हैं और गंगा जमनी तहजीब को वो फैलाने की कोशिश करते हैं तो उनके ऊपर फतवा जारी हो जाता है। जब नाजिया इलाही खान एडुकेशन के बारे में बात करती है, जब वो हलाला बैन करने के बारे में बात करती है, जब वो देश की हिंदू बेटियों को लव जिहाद से वो आगाह करवाती है, जब मुसलमान बेटियों को हिजाब से बाहर निकल करके शिक्षित होने की बात करती है, तो मेरे ऊपर गालियां बरसती हैं। तो ये जो डिस्टिंग्विश बिटवीन है, ये हम बता रहे हैं लोगों को, ये हम समझा रहे हैं लोगों को, और अब धीरे धीरे मुसलमान बेटियों को, महिलाओं को समझ में भी आ रहा है, शिक्षित पुरुषों को भी समझ में आ रहा है। ये मेरा भारत देश है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक रिएक्शन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहाँ पे भारत की बेटी नाजिया इलाही खान जी ने ना सिर्फ इन मजहब के ठेकेदारों को बल्कि जो शांति दूतों का मजहब है उसको भी अच्छे तरीके से एक्सपोज किया। और आपने देखा कैसे नाजिया इलाही खान जी ने बताया जो औरतों को गंदी नजर से देखता है, गंदी गालियां देता है और जो दुष्कर्म करता है उनके लिए तो इस मजहब में कोई फतवा नहीं है, पर जो काम अच्छे करता है, जो राम मंदिर जाता है या फिर पढ़ाई शिक्षा की बात करता है, तो उसके लिए मौलवी मुल्ला फटाफट जो है फतवा जारी कर देते हैं। तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी जबरदस्त और मजेदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।